कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में आईजी स्तर के एक नोडल अधिकारी की तैनाती की है। पुलिस के आला अधिकारी जिलों के टॉप 10 अपराधियों की तलाश में समीक्षा कर उन पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के कन्नौज जिले के नोडल अधिकारी आईजी एन रविंद्र कुमार ने जिले के 9 प्रमुख थानों का दौरा किया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आईजी ने बताया कि जिले के टॉप 10 अपराधियों की समीक्षा की है, जिसमें से कुछ जेल में हैं और कुछ जमानत पर रिहा हैं। जमानत पर रिहा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। थानों में जो टॉप 10 अपराधी है और सक्रिय अपराधी है, तो सक्रिय और टॉप 10 अपराधियों का वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। टॉप 10 अपराधी और सक्रिय अपराधियों का समीक्षा किया गया। बहुत लोग जेल में हैं और कुछ लोग जमानत पर बाहर हैं। जो जमानत पर बाहर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई आवश्यक है वो करने के लिए बताया गया। कुल मिलाकर यहाँ का अपराध स्थिति ठीक है, अपराधियों पर अंकुश लगी हुई है। सर जी, कोरोना वायरस में कुछ पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, इसको लेकर पुलिस विभाग और आपकी तरफ क्या सुरक्षा के लिए? पुलिस विभाग के लिए हम सीनियर लेवल पे और एसपी साहब भी हर दिन सतर्क कर रहे हैं लोगों को। सभी कांस्टेबल्स को मास्क पहनने का हिदायत दी गया, मास्क दिया भी गया है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हमारा जहाँ ये काम करता है वहाँ भी सतर्क रहने के लिए बताया गया। इसके बावजूद भी यदि कोई पॉजिटिव आता है उनके लिए व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा भी कराया जा रहा है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।